शपथ है उसको हम दोबारा से ग्रहण करें और उसको हर साल हर बार याद करें। 9 अगस्त का दिन 1942 का वो दिन था जिस दिन भारत ने तय किया था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे, और 9 अगस्त 1942 आज़ादी की लड़ाई का वो दौर जब अगस्त क्रांति मैदान से ये तय हुआ, और उस अगस्त क्रांति मैदान की जो खनखनाहट थी वो पूरे देश ने सुनी और 1947 में देश आज़ाद हुआ। लेकिन अगस्त का महीना ऐसा महीना है जिसमें हमारे सभी बलिदानियों को हम याद करते हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई हमें फ्री में नहीं मिली थी, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गवाई है इस आज़ादी के लिए, और हर साल 15 अगस्त से पहले चाहे वो हर घर तिरंगा का माध्यम हो, चाहे ये दौड़ हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, उनके माध्यम से हम बार 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 लगातार अपने देश के प्रति अपना जो संकल्प है उसको बार बार याद करें। और उस समय डू और डाई का नारा दिया था कि करो या मरो, शांतिप्रिय ढंग से सब लोग शामिल हुए और 1947 की लड़ाई में, जंग में शामिल होकर हम सब ने जो है वो देश की आज़ादी प्राप्त की। तो मैं आज फिर सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि हर घर तिरंगा के माध्यम से घर घर पे तिरंगा लगाएं और हम अपनी शपथ को दोबारा दोहराएं, क्योंकि देश के लिए जीना ही हमारे जीवन को सार्थक करेगा। 15 अगस्त बहुत नजदीक है, आजादी दिवस है, हम लोग देखते हैं हर घर तिरंगा की आपने बात करी प्रधानमंत्री जी की मुहिम पे, ये बात मारी जाती है लोग सब अपने घरों पे लगा जी जी, तो हम लोग देख पाते हैं किस तरह से हर घर जो है तिरंगे से रंग जाता है जी, कितना प्राउड फील होता है। बहुत ज्यादा, ये देखिए हमने भी लगाया है, ये देखिए हमने भी किया है, तो ये हमारा तिरंगा लगाने का एक माहौल पैदा करने का एक प्रयास है। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सबको घर घर तिरंगा लगाने की बात की है, सब लोग अपने अपने घर पे तिरंगा लगाएं और उस कर्तव्य के भाव से, देश के प्रति जो कर्तव्य का भाव है उससे प्रेरित होकर लगातार हर बार अपनी शपथ को भी ग्रहण करें कि देश के लिए ही जीना हमारे जीवन को सार्थक करता है। और 14 अगस्त को भी ना भूलें, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और 14 अगस्त जिस दिन भारत का विभाजन हुआ, खास तौर पे जिस तरीके से चीज़ें आज देखने में आ रही हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सब भी हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और हजारों करोड़ों लोगों की जान गई इस देश को बांटने में, काटने में, और आज भी उस तरीके का माहौल हमें आसपास दिखाई देता है। तो अपने संकल्प को लगातार हर बार याद करना और देश के प्रति समर्पित रहना, ये हम सबका कर्तव्य है।